मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 13 सितंबर से शुरू हो रहा है। मानसून सत्र को लेकर कांग्रेस की क्या कुछ तैयारी है, इंडिया न्यूज संवाददाता ने नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह से खास बातचीत की, आइए आपको सुनवाते हैं। विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है और मानसून सत्र में कांग्रेस की क्या तैयारी है, गोविंद सिंह जी हैं नेता प्रतिपक्ष, सर क्या तैयारी, क्या मुद्दे उठाए? जनता से जुड़े कानून व्यवस्था, पोषण आहार घोटाला, कारम डैम घोटाला, आयुष्मान घोटाला, दवा खरीदी घोटाला और अमृत योजना और स्मार्ट सिटी में जो भारी पैमाने पर राशि को लूटा गया है, इन सब मुद्दों पर हम चर्चा में लाएंगे। बेरोजगारी, महंगाई और किसानों से जुड़े मुद्दों पर भी हम विस्तार से चर्चा कराना चाहते हैं और इन मुद्दों को विधानसभा में रखेंगे। सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है सर, सर्वदलीय बैठक में 5 दिन का सत्र और उसमें भी 4 दिन का किया। सर्वदलीय बैठक इस सत्र की निर्णय नहीं करती, सत्र का निर्णय मुख्यमंत्री जी करती है, विधानसभा के अध्यक्ष जी ने बुलाई है सर्वदलीय बैठक। उसमें विधानसभा कितने दिन चला, क्या चला, ये कार्य मंत्रणा समिति में कल बैठक होगी, उसमें हम मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करेंगे, सत्र लंबा चला। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री जी से कांग्रेस लगातार यही अनुरोध कर रही है कि सत्र की जो अवधि है वो बढ़ाई जाए और तमाम जो अभी हाल ही में मामले उजागर हुए हैं, चाहे वो पोषण आहार का मामला हो या जबलपुर के दूसरे मामले हो, खाद का मामला हो, यूरिया का मामला हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष जो है वो पूरी तैयारी कर रहा है। अलग अलग नेताओं को, अलग अलग विधायकों को अलग अलग जिम्मेदारियां इन मुद्दों को उठाने की दी गई हैं। आज शाम को 6 बजे विधायक दल की बैठक भी कांग्रेस करेगी और तमाम रणनीतियों पर चर्चा करती हुई नजर आएगी। कैमरा पर्सन अजय कटियार के साथ ब्रजेश जैन, इंडिया न्यूज भोपाल।